अगर आज के टाइम पे आप SUV सेगमेंट में देखोगे तो महिंद्रा राज कर रही है। इनका जो डी सेगमेंट है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, जिसमें XUV700 है और स्कॉर्पियो है, बहुत अच्छी सेल कर रही है। ऐसे इनकी बी सेगमेंट में भी आप देखो, सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV में, तो XUV300 है। लेकिन इनके पास कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो कि डायरेक्टली क्रेटा, सेल्टॉस, कुशाक, टाइगून को कम्पीट करे, मतलब सी सेगमेंट में स्टैंड करे। तो इस गैप को फुलफिल करने के लिए महिंद्रा 2023 में XUV500 को लॉन्च करने वाला है। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि XUV500 में क्या क्या होने वाला है। XUV500 तो पहले आती थी, तो फिर ये नई XUV500 क्या सेंस बनता है वो भी देखेंगे। पहले तो आपको बता दूं, अगर आज के टाइम पे आप देखो तो SUV, अगर कोई बंदा जिसको SUV खरीदना होता है तो महिंद्रा उसके दिमाग में पहली चॉइस होती है, क्योंकि इनकी आप देखो तो XUV700 स्कॉर्पियो है, फिर स्कॉर्पियो क्लासिक है, स्कॉर्पियो N है, अच्छा खासा पोर्टफोलियो है इनके पास। और यही तीन गाड़ी अकेले ही मिलकर इतनी अच्छी खासी सेल्स कर देती हैं कि दूसरे ब्रांड इनके आसपास भी नहीं है, SUV सेगमेंट में एटलीस्ट। लेकिन क्या हो रहा है ना कि इनके पास ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जो कि क्रेटा वाले कस्टमर खरीद पाएँ, सेल्टॉस वाले खरीद पाएँ, क्योंकि इस सेगमेंट में क्या होता है कि थोड़ी हमें छोटी गाड़ी चाहिए, बजट में चाहिए और 5 सीटर होनी चाहिए। हालांकि इन्होंने XUV700 में भी 5 सीटर वेरिएंट दिया है, बट उसमें बड़ा इंजन है और प्राइसिंग वगैरह ज़्यादा चली जाती है। तो ये जो गैप आ रहा है ना सी सेगमेंट का, उसमें फुलफिल करने के लिए ये नई गाड़ी लाने वाले हैं जो कि होगी XUV500। महिंद्रा के जो डिज़ाइन हेड है प्रताप बोस जी, इन्होंने ये टीज़र को शेयर किया है, जहाँ पे क्लियरली ये चीज़ हमें समझ आ रही है कि कोई गाड़ी आने वाली है। अभी कैसी गाड़ी होगी तो आपको बता दूँ, महिंद्रा के एग्जिस्टिंग SUV प्लेटफॉर्म पे ही बिल्ड होगी, और मे बी ये XUV300 का जो प्लेटफॉर्म है ना उसको ही यूज़ करें, मतलब उसके आर्किटेक्चर को यूज़ करें, थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफिकेशन करके, क्योंकि डायमेंशंस बढ़ाने होंगे, थोड़े बहुत डायमेंशन में चेंज करके, थोड़ा बहुत प्लेटफॉर्म के आर्किटेक्चर को चेंज करके ऐसा बना देंगे उसको कि वहाँ पे वो टाइप बी सेगमेंट के साथ ही साथ टाइप सी सेगमेंट जो कि नई XUV500 हो वो भी बन पाए। तो ये मतलब कंफर्म नहीं है, बट एक मतलब यही चांसेस हैं कि भैया इसी प्लेटफॉर्म को ये लोग यूज़ करने वाले हैं, तो ये अच्छी बात हो जाएगी। डिज़ाइन वगैरह आप देखो तो अभी महिंद्रा SUV में आप देखो तो अच्छी खासी डिज़ाइन ऑफर कर रही है। तो डिज़ाइन लैंग्वेज की बात करूँ तो मोनोकॉक चेसी में ही होगी, जिसमें अपनी XUV700 या XUV300 बिल्ड है, मतलब लैडर फ्रेम जैसे Scorpio N या Scorpio Classic है वैसी नहीं रहने वाली। और हाँ, डिज़ाइन वगैरह XUV700 और XUV300 से मिलता जुलता रहेगा। ऑब्वियसली बात है, इंटीरियर काफ़ी मॉडर्न रहेंगे, XUV300 जैसा नहीं रहेगा, तो हाँ ये भी एक चीज़ है। फीचर्स में आपको बता दूँ तो सनरूफ डेफिनेटली रहेगा, अगर गाड़ी आएगी तो सनरूफ तो भैया बनता है, और पैनोरामिक सनरूफ ही देखने को मिलने वाला है। बाकी कुछ फीचर्स आपको बताऊँ तो टच स्क्रीन मिलेगा, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 6 या 7 एयरबैग की सेफ्टी भी मिल सकती है, LED हेलोजन लैम्प, DRL, मतलब अच्छे खासे फीचर्स दिए जाएंगे, क्योंकि महिंद्रा भी भाई फीचर्स भी दे रहा है। जैसे आप XUV700 आपके सामने एग्जांपल है, आप देख सकते हो एड्रेनॉक्स का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, तो फीचर्स वगैरह भैया भर भर के रहेंगे। बट हाँ, एक चीज़ है कि अगर ये गाड़ी आ जाती है ना तो ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। क्रेटा ऑलरेडी अच्छा कर रही है, सेल्टॉस भी अच्छा कर रही है, ग्रैंड विटारा ऑलरेडी आ चुकी है जो कि अच्छे नंबर्स में जा रही है, तो मतलब अच्छा खासा तगड़ा कंपटीशन है। तो मुझे लगता है कि महिंद्रा के आने के बाद, XUV500 के आने के बाद, क्रेटा, ग्रैंड विटारा, इन सब का मार्केट तो भैया कम होने वाला है, और बनता भी है, क्योंकि इंडिया में SUV मतलब महिंद्रा होता है आज भी। इंजन की बात करूँ तो इसमें एक्सपेक्टेड है कि 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिले और 1.5 लीटर का एम स्टैलियन टर्बो पेट्रोल भी देखने को मिल सकता है, तो दो इंजन के ऑप्शंस रहेंगे। और हाँ, एक चीज़ और आपको बताऊँ, जैसे महिंद्रा की बहुत सारी इलेक्ट्रिक SUVs भी आने वाली हैं, तो मे भी इसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी आएगा, बट डेफिनेटली पहले पेट्रोल डीजल आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक में काम चालू होगा। अभी आप बताओ, आप ये XUV500 के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं? अब देखो, मैं XUV500 बोल रहा हूँ, मे बी नाम में थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाए, बट हाँ एक चीज़ है कि भैया कोई गाड़ी है जो कि सी सेगमेंट के गैप को फुलफिल करने के लिए महिंद्रा लॉन्च करने वाला है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो।